सो हैलो एवरी वन वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड द थर्ड क्वेश्चन सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन इट वॉज दैट होमोअरेक्टिस वॉज टू स्पेशलाइज टू हैव बीन अ डायरेक्ट इंसेस्टर ऑफ द होमोसेपियंस डिस्कस टेन मार्क्स का ये क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन था ये और कोई भी प्रॉपरली इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाया है सभी ने अपनी अपनी थ्यूरी बना दी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ द एवोल्यूशन वर्क्स एवोल्यूशन कैसे काम करता है इन एवोल्यूशन यू हैव अ जेनरलाइज्ड इंसेस्टर आपके पास इनिशली एक जेनरलाइज्ड इंसेस्टर होता है ओके टेक द केस ऑफ द फिंचज ऑफ गैलापोस आइलैंड सो इन द फिंचज ऑफ गैलापागॉस आइलैंड दिस वॉज द बेसिक बीक इस तरह की आपके पास एक बेसिक बीक थी एक जेनरलाइज्ड बीक थी विच वॉज अडेप्टेड टू द होल इन्वायरमेंट रादर देन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल नीश इस चीज को समझिए जो आपके पास एक जनरलाइज इंसेस्टर होता है टेक द केस ऑफ द एस्टेलोपिथिकस इन मैन और टेक द केस ऑफ द फिंच एस्टेलोपिथिकस इट वॉज बाइपिडल एज वेल एज वो ऊपर भी लटक सकता था ठीक है वो ब्रांचेस से भी ब्रांचेस के साथ भी लटक सकता था वाई हमें कैसे पता है इस चीज के बारे में क्योंकि उसका जो थम्ब है इट वॉज नॉट प्रॉपरली अपोजेबल थम्ब अपोजेबल नहीं था सो so, उसके पास एक पावर ग्रिप भी थी ब्रांचेस के ऊपर भी वो चढ़ सकता था ब्रांचेस के साथ लटक भी सकता था प्लस वो नीचे गेटिंग भी कर सकता था गेटिंग का मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया है दैट वॉट इज गेटिंग गेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रॉपरली बाइपेडल नहीं होते हो आपकी जो लोअर बॉडी है वो प्रॉपरली अडेप्टेड नहीं होती है बाइपेडलिज्म के लिए तो आप क्या करते हो आप एकदम से खड़े होते हो और तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि जब आप भागते हो तो आपका जो बैलेंस है वो प्रॉपरली बन पाता है ठीक है हाथ आप -हाँ ऐसे करके भागते हो जैसे नन्ना बच्चा भागता है ठीक है जब आपकी स्पीड लो होती है तो आप गिर जाते हो सो दिस इज नोन एज गेटिंग सो अस्टेलोपिथिकस वॉज गेटिंग प्लस ब्रांचेस भी वो लटक सकता था ही वॉज नीदर प्रॉपरली अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल नीश नॉर टू द आर्बोरियल वन ठीक है प्रॉपर अडेप्टेशन किसी एक नीश का नहीं था लेकिन दोनों में वो सर्वाइव कर सकता था सो इज अस्ट्रेलोपेथिकाइज इंसेस्टर वो हमारा एक जनरलाइज इंसेस्टर बन जाता है ठीक है फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर बायोपेटलिज्म आना स्टार्ट हुआ एंड बायोपेटलिज्म प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द होमो एरेक्टस होमो इरेक्टस का मतलब ही ये है होमो का मतलब मैन इरेक्टस का मतलब दैट कैन स्टैंड लाइक अ मैन बायोपेटल प्रोपरली बायोपेटल प्रॉपरली अडेप्टेड टू द होमो हैबिलिस भी प्रॉपरली अडेप्टेड नहीं था बायोपेटलिज्म के साथ ठीक है होमो एरेक्टिस प्रॉपरली वेल डेवलप्ड था उसमें, लाइक ह्यूमंस, बिकॉज़ ही वॉज प्रॉपरली प्लस उसकी क्रेनियल कैपेसिटी इट वॉज जस्ट लाइक द मॉडर्न ह्यूमंस। तो हमने होमो एरेक्टिस को क्या माना दैट होमो होमोरेक्टिस ही कैन बी दॉसिबल एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन और ये जो हाइपोथेसिस है ये सबसे पहले किसने दिया डिबोइस ने ठीक है बेस्ड अपॉन हिज एविडेंसेस एट जावा, ठीक है? तो उन्होंने जावा में सबसे पहले होमो इरेक्टस की खोज की तो इनिशियली उनको एक थाई बोन मिला था ठीक है तो थाई बोन के ऊपर उन्होंने इनिशियल क्लेम उनका होमो का नहीं था मैन का नहीं था उन्होंने प्रेंथ्रोपस की बात की थी दैट इट इज द एप लाइक मैन वाई लाइक मैन बिकॉज द द द ऑन फीमर बोन लीनिया एस्पेरा दर प्रॉपरली डेवलप्ड लीनिया एस्पेरा डेवलप्ड था लीनिया एस्पेरा सॉरी सो लीनिया एस्पेरा वॉज प्रॉपरली डेवलप्ड अगर आपके पास थाई बोन के ऊपर लीनिया एस्पेरा प्रॉपरली डेवलप्ड है इसका मतलब क्या है कि जो लोअर लिम्स हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है They can be bipedal. वो प्रॉपरली बाइपेडल हो सकते हैं बट श्योरिटी बाइपेडल की कहां से आती है फ्रॉम दोरानम मैगनम फ्रॉम दिस होल दिस सॉकेट होल ऑफ द करेनियम इससे आपके पास श्योरिटी आती है कि हाँ वो जीव जंतु जो है वो बाइपेडल था ठीक है क्योंकि अगर आपके पास कोई क्वाड्रिपेडल जीव जंतु है जो उसका आंखें हैं वो तो सीधी ही रहेंगी ठीक है कोई भी ऐसा क्वाड्रिपेडल जानवर नहीं होगा जो कि नीचे देख के सीधा चलता होगा ठीक है अल्टीमेटली अगर आप क्वाड्रिपेडल हो तो आपका जो लीनिया आपका सॉरी नॉट लीनिया आपका जो फोरानम मैग्नम है वो पीछे को शिफ्ट कर जाता है बट अगर आप बायपेडल हो फोरानम मैग्नम आगे को शिफ्ट कर जाएगा सो फोरानम मैग्नम इज अ श्योर sure एविडेंस कि आप बायपेडल हो ये इससे हमारी श्योरिटी बनती है कि हां ये ऑर्गेनिज्म बायपेडल है बट सिंस ही हैड ओनली एविडेंस ऑफ द लीनिया एस्पेरा सो यूज इन डिबोईज कॉल्ड इट अ प्रेंथ्रोपस तो उन्होंने प्रेंथ्रोपस का नाम दिया इट इज एन एप लाइक मैन ओके एप लाइक मैन हु कैन स्टैंड इरेक्ट फिर उसके बाद हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले कि ये जो है वो ह्यूमन लाइक -like हो सकता सो so, पहला जो एविडेंस था इट वॉज रिगार्डिंग द करीनियल कैपेसिटी सो क्रेनियल कैपेसिटी जो आपके पास एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी मिली है बिकॉज सी होमो होमोअरेक्टस के बहुत सारे वेरियंट्स हैं पैकेज मैन एक है त्रेनिल फॉसिल एक है जावा मैन एक है हाइडलबर्ग Heidelberg, हाइडलबर्जेंसिस एक है हाइडलबर्ग मैन ठीक है सो देर आर मैनी एविडेंसेज और देर आर मैनी वेरियंट्स ऑफ द होमोअरेक्टिस सो आपके पास अगर एवरेज निकाली जाए, जाए इन वेरियंट्स की इट इज अबाउट ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी सी सी ठीक है और वन थाउजेंड फाइव वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सी सी ठीक है तो इतना आपके पास करीनियल कैपेसिटी जो है वो मिलती है आपको और मॉडर्न ह्यूमंस की क्रेनियल कैपेसिटी भी इसके साथ मिलती जुलती है ठीक है 1300 सीसी और 1400 सीसी समथिंग एंड देन द हाइट ऑफ क्रेनियम, इट इज मोर देन द विथ इन द केस मोर देन द विथ, ठीक है जो हाइट है क्रेनियम की इट इज मोर देन द विथ, ठीक है जो ह्यूमन हेड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होता है सो आवर हाइट जो हमारी हाइट है इट इज मोर देन दर्थ एंड देर इज इंटीरियर प्लेसमेंट अंदर को प्लेसमेंट हुआ है फोराना मैगनम का और क्या क्या फीचर्स हैं ह्यूमन लाइक डेंटल मोरफोलॉजी जो आपके दांत हैं वो छोटे हैं जैसे ह्यूम में हैं द फीमर इट इज प्लेटिमेरिक प्लेटीमेरिक का मतलब क्या है फ्रंट से और बैक से फ्लैटेंड है ओके वाई बिकॉज यू नीड टू अटैच द थाई मसल्स तो आपके जो थाई मसल्स हैं वो बैक पे और फ्रंट पे प्रॉपरली अटैच हो जाए इसीलिए इट इज मोर प्लेटीमेरिक ठीक है इट इज फ्लैटेंड बट इन द केस ऑफ एप्स सिंस द मसल्स

कि आपके पास जो सेजिटल क्रेस्ट है इट इज नियर अबाउट एबसेंट द पेरिटल लोब्स दे आर वेल डेवलप्ड सो देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो ठीक है होमो का मतलब इफ अगर आप इंसान की डेफिनेशन देखो कि इंसान कौन है हु इज अ होमो होमो इज एन ऑर्गेनिज्म मैन इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैव टू थिंग्स जिनके पास दो चीजें हैं इसी के ऊपर मैंने अगला प्रश्न पूछा था जो पहला प्रश्न था वो यही था दैट हु इज अ मैन दैट हु इज अ होमोसेपियन ठीक है इंसान के पास दो चीजें होती हैं द फर्स्ट थिंग इज ही शुड बी बायपेडलिज्म देर शुड बी बायपेडलिज्म द लोको मोशन शुड बी बायपेडल दो पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए और दो पैरों की बदौलत ही आपके पास इतने सारे एनाटॉमिकल फीचर्स में बदलाव आता है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में दो कर्व्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं थोरा सिक्ड लिम्बर फोरान मैग्नम इट इज इंटीरियरली इंटीरियरली प्लेस्ड द करीनियल कैपेसिटी बिकम्स मोर रादर देन करीनियल कैपेसिटी आई शुड यूज द वर्ड एसीफिलाईजेशन इज देयर एसीफिलाईजेशन इज देयर एसीफिलाईजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास द प्रपोर्शन ऑफ द मास ऑफ ब्रेन टू द बॉडी इट इज मोर देन द अदर ऑर्गेनिजम्स ठीक है अगर आप रेशो निकाले द मास ऑफ करेनियम टू द मास ऑफ बॉडी इट इज मोर देन द अदर ऑर्गेनिजम्स देन द अदर प्राइमेट्स एक्सेप्ट सम केसेस ऑफ प्रोसमीज ठीक है प्रोसमीज में कई बार ऐसा होता है कि बॉडी का साइज जो है बॉडी का जो वेट है वो कम होता है लेकिन ब्रेन जो है वो ज्यादा बड़ा होता है ज्यादा मास वाला होता है कुछ केसेस हैं ऐसे एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर ओके सो द मैन शुड बी बायपडल प्लस देयर शुड बी कल्चर आपके पास एक कल्चर होनी चाहिए कल्चर किसके साथ डेवलप होती है हाउ यू कैन से दैट होमो एरेक्टिस हैड अ कल्चर द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज होमो अरेक्टिस यूज फायर फायर के यूज से क्या पता चलता है आपको हाउ फायर बिकम्स अ पार्ट ऑफ कल्चर बिकॉज फायर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है यू कैन कुक फूड विद फायर आप फायर के साथ जो अपना भोजन है उसको कुक कर सकते हो ठीक है एक बार आपने भोजन को कुक करना स्टार्ट कर दिया आपके जो डेंटल आपके जो दांत हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि और जरूरत बड़े दांतों की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आप जो है वो मीट को प्रॉपरली कुक नहीं कर पा रहे हो ठीक है विद फायर यू कैन कुक मीट विद फायर यू कैन सेव यूर सेल्फ फ्रॉम दी वाइल्ड प्रेडेटर्स क्योंकि अब आप एस्टेलोपिथिकस जैसे नहीं हो ठीक है एस्टेलोपिथिकस तो चढ़ जाता था ऊपर वो तो बच जाता था ब्रांचेस के ऊपर चढ़ जाएगा बट नाउ द होमो एरेक्टस कांट क्लाइंब होमोक्टस प्रॉपरली ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकता टू द टेरेस्टियल नीश टेरेस्टियल चलने वाले इंसान बन चुके हो आप सो यू नीड फायर सिंस एवरी वन एवरी वन इन द सोसाइटी नीड्स प्रोटेक्शन सो दे विल बी ऑल एसोसिएटिंग विद फायर तो सभी एसोसिए फायर के पास रह रहे होंगे ठीक है सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे होंगे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनेगा दिस ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन टर्न इन टू द क्रिएशन ऑफ बिग गेम हंटिंग ठीक है तो आप बिग गेम हंटिंग कर सकते हो बिग गेम हंटिंग का मतलब क्या है बड़े जानवरों को मार सकते हो आप सो होमोरैक्टिस बिग गेम हंटिंग में भी पार्टिसिपेटेड था ठीक है अकॉर्डिंग टू कैरल एम्बर आपने एम्बर एंड एम्बर पढ़ी होगी सबने एम्बर एंड एम्बर सब लोग एम्बर एंड एम्बर पढ़ते हैं तो उसमें कारल एम्बर लिखते हैं दैट द बिग गेम हंटिंग कुड बी ईजीली एसोसिएटेड विद द होमोरेक्टस होमोरेक्टस के साथ एसोसिएट की जा सकती है वाई बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फायर विद द यूज ऑफ फायर एक और जो कल्चर की बहुत बड़ी बड़ा पैमाना होता है वो आपके पास होता है लैंग्वेज ठीक है ह्यूमोरेक्टस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिटल लोब ठीक है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिटल लोब उनकी जो लैंग्वेज थी इट वॉज वेल डेवलप्ड वो प्रॉपरली डेवलप्ड थी लैंग्वेज सिर्फ आपके पास सांस निकालना नहीं होता ठीक है ह्यूमंस में एवोल्यूशन के दौरान दो बड़ी चेंजेस आई हैं द वन इज द एनाटोमिकल अदर इज द मोर मेंटल चेंज और द मोर इंटेलेक्चुअल चेंज जिसने लैंग्वेज को ड्राइव किया है एनाटोमिकल चेंज में आपके पास लेरिंग्स का फॉर्मेशन आया है लेरिंग्स का फॉर्मेशन और आपके पास जो ये ऊपर वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है आपके छोटे दांत ज्यादा स्पेस आपकी जीभ का फॉर्मेशन ठीक है तो ये वाली जो ऊपर वाली सुपरा जो सुपरा लेरिंग्स लेरिंग्स से जो ऊपर वाली एनाटॉमी है उसमें जो आपके पास बदलाव आया है एनाटॉमिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसने लैंग्वेज का फॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प की है प्लस आपके पास एक मेंटल फीचर और ब्रेन के रिलेटेड जो आपके पास फीचर है दिस इज पैरिटियल लोब का प्रॉपर डेवलपमेंट होना सिंस हमारे पास अब एविडेंसेज हैं कि होमो एरेक्टिस में जो पेरिटल लोब है इट वॉज प्रॉपरली डेवलप्ड सो वी कैन एज्यूम दैट द लैंग्वेज इट वॉज वेल डेवलप्ड इन द होमो एरेक्टिस उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली हो चुका था द होमो एरेक्टस वॉज वेरी एफिशियंट इन कॉम्युनिकेशन नाउ यू हैव फायर यू आर वेरी एफिशियंट इन कॉम्युनिकेशन यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ टूल्स वेल डेवलप्ड टूल्स तो ऑब्वियसली आपके पास एक कल्चरल फैक्टर भी होमो एरेक्टस के साथ प्रॉपरली जुड़ जाता है ठीक है सो होमो एरेक्टिस बिकम्स अ मैन बट क्वेश्चन क्या है आपका दैट होमो एरेक्टिस इट इज टू स्पेशलाइज्ड ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड था और ऐसी स्पेशलिटीज थी इसमें कि जो आपके पास मॉडर्न होमोसेपियंस में नहीं है तो इसको मॉडर्न होमोसेपियन का इंसेस्टर नहीं कहा जा सकता ठीक है मैंने जानबूझ के इस चीज को ज्यादा कंप्रीहेंसिवली ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है बिकॉज नो वन हैज बीन राइटिंग ऑन दिस कि कोई भी प्रॉपरली इस चीज को लिख ही नहीं पाया है ठीक है तो मैंने इस क्वेश्चन को ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली बताने की कोशिश की है जो पहला ये वाला है कि मोर ह्यूमन लाइक वाला पोर्शन है इसको आप छोड़ भी सकते हो सिंस द क्वेश्चन इज ऑफ टेन मार्क्स बट ऐसा क्वेश्चन जो है वो बीस मार्क्स में पंद्रह मार्क्स में भी पूछा जा सकता है अगर पंद्रह मार्क्स में बीस मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वाली सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी दैट वाई इट इज़ मोर मैन लाइक ओके देन देर आर सम डाइवर्जेंट फीचर्स और ये जो सारे फीचर्स हैं ये जो चीज़ है ये लीकी ने बताई ठीक है तो लीकी कहते हैं दैट जो आपके पास जैसे मैंने पहले फिंचीज वाला एग्जाम्पल दिया था दैट इट इज टू स्पेशलाइज और जो इसके फीचर्स हैं जो इसके स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं दे आर नाट प्रेजेंट इन द मॉडर्न मैन तो इसको मॉडर्न मैन का इंसेस्टर नहीं कहा जा सकता ऐसे कौन कौन से स्पेशलाइज फीचर हैं फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ स्लोपिंग हेड बट नाउ आपके पास एलिवेटेड हेड है और ऐसा नहीं है कि स्लोपिंग हेड बिल्कुल एप जैसा है या फिर एप के साथ रिलेटेड है कहीं से द मोरफोलॉजी ऑफ द क्रेनियम ऑफ द स्लोपिंग क्रेनियम ऑफ होमो एरेक्टस इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एप से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है बहुत अलग है स्पेशली द वॉल्स जो आपके पास जो विड्थ है करेनियम की, it is too high, बहुत ज़्यादा विड्थ है so, ये कहा जाता है, लीकी ने यह हाइपोथाइज किया है कि जो उस टाइम के ऊपर इकोलॉजिकल नीश में जो होमो रह रहा होगा उस हुम, आ, उस आ, उस पर्टिकुलर नीच में आपको इन एनाटॉमिकल फीचर्स की इन अडेप्टिव फीचर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी स्लोपिंग हेड की वहाँ पे आपको जरूरत पड़ी होगी ठीक है सो दे हैव स्लोपिंग हेड एंड मोर ओवर देर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रो ब्रोरेजिस जो उनका ब्रो ब्रोरेजेस का स्ट्रक्चर है दीज आर नोन एज दी ब्रोरेज ठीक है जो आई के नीचे वाले जो ये वाली हड्डियाँ होती हैं ठीक है तो जो ब्रो ब्रोरिजेज हैं दे वर वेरी प्रोमिनेंट एंड नॉट ओनली वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे बट जो ब्रो ब्रोरिजिस थे दे वर एक्सटेंडिंग टू वर्ड्स द रूट ऑफ नोज ये दिस इज नोन एज द नसल रूट ये वाली जो चीज होती है ये वाला डिप्रेशन होता है सो so, ब्रो दे वर नॉट ओनली प्रोमिनेंट बट दे वर एक्सटेंडिंग टू वर्ड्स द ब्रोरिजे और इतना ज्यादा वो नीचे को एक्सटेंड करते हैं कि वो ऑर्बिट्स का एक हिस्सा बन जाते हैं लेकिन ऐसी कोई चीज मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलती है आपको नीदर दिस प्रोमिनेंस ऑफ द ब्रोरेजेज एंड विड्थ ऑफ द करेनियम एंड द स्लोप ऑफ द फोरहेड ऐसी जो सारी चीजें हैं ये आपके पास एप्स में भी नहीं पाई जाती हैं देन यू हैव द एंगुलर ऑस्पिटल रीजन बट इट इज वेरी राउंडेड इन द मैन एंड देन जो आपके पास वाइडेस्ट पार्ट है करेनियम का सो दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द करेनियम इट इज एट द लेवल ऑफ द ईयर सो द ईयर जो है वो ऊपर को किसके हुए हैं ठीक है और जो मैस्ट्रॉयड है वो नीचे रह जाता है आपका मेस्ट्रॉयड कहाँ है बिल्कुल कान के पीछे लेकिन यहां पे मैस्ट्रॉइड वैसे नहीं मिलता बट मैस्ट्रॉइड इट इज वेल डेवलप्ड मैस्ट्रॉयड प्रॉपरली डेवलप हो चुका है लेकिन मैस्ट्रॉयड की पोजीशन वो प्रॉपर नहीं है जो आपके पास है देन द नसल एरिया इट इज फ्लैटेंट ठीक है बट इट इज एलिवेटेड इन मैन देन द मोलर्स दे वर स्मॉलर ठीक है जो आपके पास मोलर्स हैं सॉरी मेरा तो आर हुआ हुआ है इसमें तो जो मोलर्स हैं वो आपके पास स्मॉलर हैं बट जो आपके पास फ्रंटल टीथ टीथी इंसीजर एंड कनाइंस दे आर वेरी लार्ज मोलर छोटे इंसीजर बहुत लार्ज प्लस मोलर हैव डाइवर्जेंट रूट तो इसका मतलब क्या है दैट दीज काइंड ऑफ फीचर्स वो एक चीज को इशारा करते हैं दैट यू आर फुली अडेप्टेड दैट यू आर फुली अडेप्टेड फॉर द कार्निवोर्स डाइट आप मांसाहारी डाइट के लिए फुली डेवलप्ड हो ठीक है यू कैन ईट द रॉ मीट ऑल्सो आप रॉ मीट को प्रॉपरली चबा सकते हो ठीक है सो so, वैसा इकोलॉजिकल नीच था इनका और उसी इकोलॉजिकल नीच में ये प्रॉपरली अडेप्टेड हो चुके थे सर्टनली जो मॉडर्न ह्यूम बींग हैं उनका वो प्रॉपर जो इकोलॉजिकल नीच है हमारा वो वाला नहीं है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का वो इकोलॉजिकल नीच नहीं है वी आर मोर ऑमनीवर्स और अगर हम मीट भी खाते हैं वी ईट प्रॉपर कुकड मीट नॉट रॉ मीट ठीक है रॉ मीट जो है वो सख्त होता है उसको चीरने के लिए उसको फाड़ने के लिए आपको प्रॉपर जो है वो बड़े इंसीजर्स और बड़े कनाइंस की जरूरत पड़ती है ओके okay? सो so, जो डेंटल ऑल और, और दो जो आपके पास डेंटल आर्क है वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक है ठीक है बट इंसीजर्स और कनाइंस बहुत बड़े हैं बिकॉज दे आर एडेप्टेड टू देयर इकोलॉजिकल नीच और जैसे आपके पास इकोलॉजिकल नीच वो गया तो हो सकता है कि आपके पास होमअर एक्टिस एक्सटेंट हो गया हो एंड मोर ओवर द इंसीजर्स दे आर शॉवल शेप्ड तो इस तरह के इंसीजर हैं आपके पास इस तरह के इंसीजर्स नहीं है ठीक है एंड ऑन द साइड ऑफ टंग ओके टंगीज शॉवल शेप्ड इंसीजर्स बिगर इंसीजर्स करेनियम का जो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ करेनियम है ईयर्स का ऊपर होना इट इज दीज आर ऑल एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ दीज आर ऑल हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजीज़ फॉर दोज पर्टिकुलर नीश जो वहां पे उनको एक नीच एक इकोलॉजिकल नीच मिला होगा उसके लिए एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं ठीक है सो so, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास वो होमो का हिस्सा नहीं थे ठीक है हो सकता है कि वो एक्सटिंट हो गए हों बट रिसेंटली यू हैव अ वेरियंट ऑफ होमो इरेक्टस कॉल्ड होमो एरगस्टर ठीक है तो होमो एरगस्टर जैसे आपके पास बहुत सारे रोबस्ट फीचर्स है दीज आर ऑल द रोबस्ट फीचर्स बड़े इंसीजर्स का होना बड़े कैनाइंस का होना स्लोपिंग फोर हेड होना ठीक है बड़े ब्रोरेज का होना एक हमें एक और होमो इरेक्टस का एक वेरियंट मिला है जिस जिसको नाम दिया गया है होमो एरगस्टर और ये माना जाता है कि आपके पास जो लेटर होमोज बने हैं उनका पूर्वज हो ठीक है क्योंकि होमो एरगस्टर एर्ग, में वो वाले जो अब हमने फीचर्स को डिस्कस किया है बड़े कनाइंस का होना बड़े इंसीजर्स का होना स्लोपिंग फोरहेड का होना इसमें बहुत कम है इट इज़ मोर लाइक द लेटर होमोज ये आजकल के जो होमोज हैं आजकल के जो होमोज हैं या फिर आपके पास बाद वाले होमोज हैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक द केस ऑफ द चांसिलिडे और क्रोमैगन बिल्कुल उनके जैसा आपको दिखाई देता है ठीक है सो होमो एरगस्टर को कई बार ये भी कहा जाता है दैट इट इज द इवॉल्व होमो एरेक्टस ठीक है नर्मदा मैन इट इज ऑल्सो वेरियंट ऑफ होमोरेगस एरगस्टर इट इज ऑल्सो अवाल्व होमोरेक्टिस नर्मदा मैन भी एक इवॉल्ड होमो एरेक्टिस ही है ठीक है जिसको कहा जाता है दैट इट इज दिकर्सर ऑफ द नेटिव इंडियंस ये नेटिव इंडियंस का प्रिकर्सर कई बार इसको मान लिया जाता है ओके okay? सो so, इस क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चराइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल गिव सम ऑफ़ द फैक्टर्स कि हाँ ये हमारा इंसेस्टर हो सकता है देन उसके बाद जो आपके पास डाइवर्जेंट फैक्टर्स हैं जो लीकी ने दिए हैं जिस जिनको लीकी ने सामने रखा है वो दीजिए देन कंक्लूड विद होमो एरगस्टर तो होमो एर्गस्टर से आप कंक्लूड कर लीजिए ठीक है इस फाइलोजेनिक डायग्राम से आप कंक्लूड कर सकते हो सो दिस इज़ दी लेटेस्ट व्यू पॉइंट दैट एंड लीकी हैजऑलो लीकी ने भी इस चीज़ को माना है दैट होमो अर्गस्टर इट कैन भी द प्रिकसर और द इंसेस्टर ऑफ द लियटर होमोज ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द होमोसेपियन हु इज अ होमोसेपियन होमोसेपियन कौन है इंसान कौन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोसेपियन का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ द होमोसेपियन सो होमोसेपियन होमो का मतलब क्या है मैन सेपियन का मतलब वाइज सो होमोसेपियन का मतलब ही इज अ वाइज मैन वाइज मैन बट नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द मैन इंसान कौन है हु इज मैन तो जैसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बताया है देखिए अगर हम इंसान की जूलॉजिकल डेफिनेशन देखें जूलॉजिस्ट ज़्यादातर इंसान को बड़े दिमाग वाला बड़े ब्रेन वाला एसिफिलाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म मानते हैं बिकॉज थ्रू आउट द एवोल्यूशन स्पेशली इन द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर हमारे ब्रेन ने बहुत बड़ा रोल निभाया है ओके बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट दो चीजों को मानते हैं कि आपके पास दो चीजें जो हैं वो इंसान को बनाती हैं द फर्स्ट थिंग इज द बाइपेडलिज्म एंड द सेकेंड थिंग इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कल्चर सो एनी वन बाइपेडल एंड हैव कल्चर ही कैन बी कॉल्ड होमो देयर फोर इसीलिए कहा जाता है दैट आस्ट्रेलोपिथिकस इज समाइम कॉल्ड होमो एफ्रिकनस दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं दैट एक्सप्लेन अस्ट्रेलोपिथिकस एज होमो एफ्रिकनस एप ऑफ ऑस्ट्रेलिया और मैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया सॉरी नॉट अ एप एप तो प्रॉप हो जाएगा मैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया होमो एफ्रीक वाई मैन ऑफ अफ्रीका बिकॉज ऑल द एविडेंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलोपेथिक इट इज फाउंड इन अफ्रीका अफ्रीका के बाहर इसको पाया नहीं गया प्लस वी हैव एविडेंसिस ऑफ गेटिंग दैट समाइम ही कैन बी बाय ही कैन रन एज ए बाइपेडल ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, वैसे वो रन कर सकते हैं सो ही इज इरेक्ट प्लस ही ही इज़ हीज कल्चर ऑल्सो ठीक है उसके कल्चर को रेमन डार्ट ने क्या कहा है दैट हिज़ कल्चर वॉज बोन टुथ एंड हॉर्न कल्चर ओडी के कल्चर है उनका सो so, ही हैज कल्चर ऑल्सो रेमंड आर्ट सजेस्टेड की इसके साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी है उसके कल्चर में देर इज अ फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो सो ही है स्ट्रक्चर ऑल्सो सो अस्ट्रेलोपिथिकस ही ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज होम एफ्रिकनस सो मैन की अगर डेफिनेशन एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें सो मैन इज एनी ऑर्गेनिज्म हु इज बायपेडल एंड हु हैज कल्चर ठीक है कल्चर छोटी भी हो सकती है कल्चर वेल डेवलप्ड भी हो सकती है नाउ हु इज अ होमोसेपियन हु इज अ वाइज़ मैन वाइज मैन कौन हो गया हु इज प्रॉपरली अडेप्टेड टू द बाइपेडलिज्म जो प्रॉपरली दो पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है प्रॉपरली अडेप्टेड द बाइपेडलिज्म इज प्रॉपरली इवॉल्व प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड नाउ यू हैव प्रॉपरली स्पेशलाइज्ड बाई पेटलिज्म बिकॉज ऑफ द हाई डेवलपमेंट और दमेशन ऑफ द लीनियापेरा एनाटोमिकल फीचर्स ऑफ योर फुट आपका जो फुट है वो भी आर्क में है लिगामेंट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट है वहां पर सॉफ्ट टिश्यूज का प्रॉपर डेवलपमेंट है वहां पर हील का प्रॉपर डेवलपमेंट है आपके फुट में ठीक है द हिंड लिम्स दे आर मच लॉन्गर मच मस्कुलर देन दोर लिम्स एक्सेप्ट सम लोग जो जिम जाते हैं ठीक है देन यू हैव टू कर्व्स आपके पास दो कर्व्स हैं वन इज थोरेसिक वन इज लुम्बर यू आर पेल्विक गेडल और पेल्विक बोन्स दे आर ब्रॉड दे आर बेसिन शेप्ड ओके फोरन एम मैगनम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फोरन एम मैग्नम इट इज इंटीरियरली प्लेस्ड सो दीज आर द एनाटोमिकल फीचर्स ठीक है ये आपके पास कुछ एनाटोमिकल फीचर्स हैं जो कि आपको प्रॉपरली बताते हैं दैट यू आर बायपेटल ओके देन यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर इन कल्चर यू हैव एवरी थिंग यू यूज लैंग्वेज आप लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज कर सकते हो आप लैंग्वेज को प्रॉपरली बता सकते हो यू कैन यूज द जेस्टर्स विद लैंग्वेज आप जेस्टर्स भी लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो ठीक है रादर यू हैव डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज नाउ अब आपके पास लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है एक दो तीन लैंग्वेजेस तो नहीं है बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आपके पास दाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑल्सो आप एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो यू हैव प्रॉपर कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कल्चरल ग्रुप्स ऑल्सो कल्चरल एसोसिएशन ऑल्सो सो कल्चर लाइक बायोपेडलिज्म इट इज़ वेल डेवलप्ड तो होमोसेपियंस आपको मैन को वाइस कौन बनाता है प्रॉपर अडेप्टन टू द बायोपेडलिज्म प्लस वेल डेवलप्ड कल्चर सो यही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी थी that you have well developed culture and properly you are bipedal so you are a homo sapien so give agla jo question tha agla jo part tha give account of the earliest homo sapien fossils so jo pehle aapke paas homo sapien ke fossils se earliest Homo होमोसेपियन fossils थे उनके बारे में आपको बताना था उनका आपने account देना था सो so, अर्लीस्ट आपके पास होमोसेपियन फॉसल्स कौन कौन से हैं यू हैव क्रोमैगनन मैन यू हैव चांसली डे यू हैव ग्रिमार मैन ठीक है इनके बारे में बताना था इनके फिजिकल फीचर्स बताने हैं वो लगभग सबने अच्छे से बताए हैं इन तीनों को तो प्रॉपरली बताना ही बताना है ओके okay, अगर आप रोडिशियन मैन को लिखना चाहते हो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, रोडेशियन मैन को उन्होंने होमोसेपियंस की कैटेगरी में नहीं रखा है ठीक है ड्यू टू सम रीजंस। बट अगर आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट इन तीनों को लिखना जरूरी है चांसली डे को लिखना जरूरी है क्रोमैगन को लिखना जरूरी है ग्रीमाल को लिखना जरूरी है ओके okay? इनके साथ साथ दो चीजें लिखनी रादर तीन चीजें लिखनी जरूरी है कहां पे ये पाए गए वट वॉज वट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर इनकी जो बोन्स हैं इनकी जो स्कल्स हैं एविडेंसेज हैं वो पाए गए हैं इनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं और जो आपके पास तीसरी चीज़ है वो है फाइलोजेनी हाउ दे आर एसोसिएटेड विद दी होमोसेपियंस ठीक है फाइलोजेनी में सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हो सकता है फलान ने कहा है हो सकता है जी ये एक्सटेंट हो गए हो सकता है ये हो, ये हो गया वो हो गया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जस्ट राइट हाउ दे आर एसोसिएटेड विद द मॉडर्न होमोसेपियंस मॉडर्न होमोसेपियंस के साथ कैसे ये एसोसिएटेड है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ग्रीमाली मैन का एसोसिएशन बनाया जाता है निकोराइट रेस के साथ ठीक है तो इस तरह का जो एसोसिएशन है सिर्फ वो आपने लिखना है इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इट वुड बी जस्ट वेस्टेज ऑफ यूर टाइम वाई बिकॉज यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर आधारित है होमोसेपियन के ऊपर आधारित है ठीक है चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना है रादर क्वेश्चन के बीच में ही रहना है ठीक है सम पीपल से कि यार फलहान में तो आपने कहा था कि आपको फाइलोजेनी में बस इतना लिखना है और कल को आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चांसलिड मैन और आप सिर्फ उतनी फाइलोजेनी लिख के आ रहे हो कि सर ने कहा था कि सिर्फ उतना ही लिखना है सो ट्राई टू सी द क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को देखिए फिर उसके बाद ब्रेन कीजिए कि कितना ज़रूरत है आपको उस उस अनुसार आप आंसर को लिखिए ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन था इट वॉज अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चर ऑफ होमो एरेक्टस होमो एरेक्टस के कल्चर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था आपको उसके कल्चर में आपके पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये तीन चीज़ें आपको ड्रॉप आउट नहीं करनी है सो द फर्स्ट थिंग इट इज़ द यूज़ ऑफ फायर आग का यूज़ रिसेंटली आपके पास एक साइट है इन साउथ अफ्रीका कॉल्ड पिनेकल पॉइंट वहाँ पे आपको फायर यूज़ के एविडेंसेस मिले हैं और जो आपके पास फायर यूज के एविडेंसेस हैं दे आर डेटेड 1.6 मिलियन इयर्स अगो एंड दिस हैव बीन रिकॉर्डेड बाय डेविड मार्शल डेविड मार्शल एंड अदर्स एट ऑल एट ऑल सो एंड अदर्स दे हैव रिकॉर्डेड इट इन 2009, 2009 में उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था ल पॉइंट को एंड इट इज एसोसिएटेड विद होमो एरेक्टस ठीक है बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन इट वॉज द कल्चर ऑफ होमो एरेक्टस सो पिनेकल पॉइंट वाला पॉइंट आप लिख सकते हो ठीक है साउथ अफ्रीका की यह साइट है द सेकेंड क्वेश्चन सॉरी द सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको टूल कल्चर के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है टूल कल्चर के बारे में करीब करीब सब ने लिखा है सब ने लिख दिया चॉपर चॉपिंग टूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा दो तरह के कल्चर्स आपके पास होमो एरेक्टस के साथ एसोसिएट किए जाते हैं सो द फर्स्ट इज़ ओल्ड वन कल्चर ओल्ड वन कल्चर ओल्ड वन कल्चर इट इज़ एसोसिएटेड विद द होमो इरेक्टस दैट वॉज लिविंग इन अफ्रीका ठीक है इट इज हाईली सोफिस्टिकेटेड कल्चर हाईली सोफिस्टिकेटेड टूल्स आर देयर ठीक है डायग्राम्स वगैरह सबने बना दिए थे द सेकेंड कल्चर दिस इज द अशूलियन कल्चर अशूलियन कल्चर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज ऑल अराउंड फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया फ्रांस टू इंडिया इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली आपको देखने को मिलता है अशूलियन कल्चर एंड अशुलियन कल्चर इट इज करेक्टराइज बाय बिग मैसिव हैंड एक्सेस हैंड एक्सेस इसको करेक्टराइज किया जाता है ये चीज लिखनी यहां पर जरूरी है ठीक है सो द फर्स्ट इज यूज ऑफ फायर सेकेंड इज द टूल कल्चर ओके सो दिस वॉज दी सेकेंड क्वेश्चन ये आपके पास दूसरा प्रश्न था ठीक है और एक और जो चीज़ आप लिख सकते हो इसमें तीसरी चीज़ वो आपके पास लैंग्वेज है ठीक है देर वॉज़ प्रॉपर यूज ऑफ लैंग्वेज ओके लैंग्वेज भी यहां पे कल्चर में लिखनी ज़रूरी हो जाती है यू कैन राइट दैट ऑल्सो So if you have any doubt, any query regarding anything, do write in the comment section. Do subscribe to the channel. Okay. So thank you very much.